और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी नतीजों से के बाद बंगाल में हिंसा जो है वो बढ़ी है। बीजेपी समर्थकों से मारपीट की गई है, बम से हमला किया गया है और इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। विपक्षी दलों पर हमले की जानकारी यहां पर मांगी गई है। हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी धरना भी देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है, विपक्षी दलों पर हमले की जानकारी मांगी गई है। हिंसा के विरोध में बीजेपी जो है वो धरना देगी। I don't like any violence or anything, but why BJP is doing that? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। अच्छी बात है, ममता बनर्जी ने अपील की है पहली बार, अगर शांत हो जाए ठीक है, नहीं तो कल से हम भी शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए रास्ता में उतरेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार ने वापसी की और इसी के साथ शुरू हो गया है हिंसा का दौर। आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं, बीजेपी के दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ लेने वाली हैं और उससे पहले ही टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी प्रदेश में चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी से जुड़े लोगों पर हमले हो रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने देशव्यापी धरने का ऐलान कर दिया है। बंगाल के हक में बस हिंसा हंगामा, हिंसा चरित्र ही बंगाल की सियासत। यहाँ के सियासत में रक्त चरित्र है और ममता दीदी की अगुवाई में चलती आ रही सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो ऐसी हिंसा की वारदातों पर आंखें मूंदे रहती हैं। प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसे लेकर कई बार खुलकर बोला है। हिंसा की वारदात बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल से गृह मंत्रालय ने विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की पूरी जानकारी मांगी है। बंगाल में बवाल तो दीदी खुशहाल, बंगाल में बम काल, क्यों दीदी ओ दीदी। सियासत में ये बहस गर्म होने लगी है कि क्या बंगाल में बम और बंदूक के दम पर ममता दीदी राज करती हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बम और बारूद के बल पर ही ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल का मोर्चा जीता है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बमबाजी की घटना सामने आई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बम से हमले का आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम चलाने का आरोप लगा है। बमबाजी में 3 की मौत हुई है, कई जख्मी हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ भी की गई है। तो ये तमाम आरोप जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे हैं। जीतने के बाद जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में तांडव मचा रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी में आक्रोश भी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में रविवार से ही हिंसा की कई घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। अलग अलग घटनाओं में 11 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पर बीजेपी का दावा है कि मरने वालों में 9 बीजेपी कार्यकर्ता हैं। टीएमसी और आईएसएफ के एक एक कार्यकर्ता के मारे जाने की खबर सामने है। राज्यपाल ने डीजीपी और गृह सचिव से इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव बाद हिंसा में जख्मी जो कार्यकर्ता हुए हैं उनसे मिलने वाले हैं जेपी नड्डा। कार्यकर्ता जो जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलेंगे। आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर ही रहेंगे जेपी नड्डा। और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, लगातार बीजेपी की तरफ से अपील भी की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपील की थी कि देखिए हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। उन्होंने दीदी से ये अपील की थी कि अपने कार्यकर्ताओं को संभालें, लेकिन ये जो घटनाक्रम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बमबाजी की घटना हो या फिर हमले की घटना हो या फिर शुभेंदु अधिकारी के कार पर हुआ हमला हो, आज और कल जेपी नड्डा जो है 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल से एक और खबर है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी जो है वो थम नहीं रही है। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला जो है वो लगातार जारी है।
नंदीग्राम के दाऊदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की खबर सामने आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में यहां पर तोड़फोड़ की गई है। चुनाव में जीत के बाद से ही लगातार टीएमसी की गुंडागर्दी यहां पर जारी है और इसी तस्वीर को लेकर आज और कल जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर जाएंगे और जिन लोगों के साथ मारपीट की गई है या फिर जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों से भी जाकर वो मुलाकात करने वाले हैं। नंदीग्राम के दाऊदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से टीएमसी की गुंडागर्दी जो है चुनाव जीतने के बाद सामने आ रही है और हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त जो रक्त चरित्र देखने को मिलता है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहाँ बमबाजी की घटना आम बात है, गोली बम बारूद चलना आम बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद टीएमसी की गुंडागर्दी जो सामने आ रही है, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर बम से हमला किया जा रहा है, ऑफिस में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यालय को आग लगाया जा रहा है और ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार इसी तरीके की तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में तोड़फोड़ भी यहां पर की गई है और चुनाव में जीत के बाद से ही टीएमसी की गुंडागर्दी लगातार देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की करते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए कुवैत ने राहत सामग्री भेजी है। 282 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विमान भारत पहुंच चुका है। राहत की खबर आपको बता दें, 60 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर वेंटिलेटर भारत जो है वो पहुंचे हैं। दूसरी मेडिकल सामग्री भी विदेश मंत्रालय ने हैंडओवर ले ली है। तो अभी खबर हम आपको देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से कोरोना से इस वक्त भारत जो है वो जूझ रहा है और विदेशों से मदद जो है वो मिल रही है। कोरोना से लड़ने के लिए कुवैत ने भी राहत सामग्री भेजी है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और निश्चित तौर पर ये तस्वीर उन सभी लोगों को राहत देने वाली है जो लोग इस वक्त हेल्पलेस हैं, बेबस हैं, जो इस महामारी से जूझ रहे हैं और वो तमाम परिजन जो ऑक्सीजन की कमी के चलते, जब संसाधन नहीं है तो उस कमी के चलते दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कम हुई है कोरोना की संक्रमण दर। जी हां, राहत की खबर कि संक्रमण दर जो है वो देश में कम हुई है। एक दिन में ठीक होने वाले की संख्या जो है वो बढ़ी है, यानी रिकवरी रेट बढ़ी है और एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1% से कम है। दिल्ली महाराष्ट्र एमपी में मामले घटते नजर आए हैं और दिल्ली महाराष्ट्र एमपी ही ये वो 3 जगह जहां पर लगातार जो चिंता की स्थिति थी वो बनी हुई थी। आ गया कोरोना का अंतकाल। पिछले दिनों में कोरोना का संकट थोड़ा थमा है, वायरस के फैलने की रफ्तार कम हुई है, लॉकडाउन के साथ पाबंदियों ने असर दिखाया है, लोगों की सावधानियां भी कोरोना पर भारी पड़ी हैं। कहने का मतलब, कोरोना कोई ऐसा शैतान नहीं जिस पर विजय हासिल नहीं किया जा सकता। अब हार रहा कोरोना, जीत रहा देश। सब एक साथ कोरोना से दो दो हाथ। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश के कई राज्यों में कोरोना की संक्रमण की गति कमजोर पड़ी है और इसका असर ये रहा है कि जहां भारत में रोजाना नए मामलों की संख्या 4 लाख से ऊपर चली गई थी, उसमें भी भारी कमी देखने को मिली है। सोमवार को जारी आंकड़ों में 24 घंटे में 3,68,147 मामले आए। 24 घंटे में ही 3,732 लोग ठीक भी हुए। मृत्यु दर 1% से भी कम हो गई है। पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण में कमी आई। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक और केरल में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। दूसरी लहर के दौरान नए मामलों में पहली बार इतनी ज्यादा गिरावट हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि परेशानी दूर हो गई है, मुश्किलें खत्म हो गई हैं, कम ही सही, लेकिन कोरोना वायरस अब भी फैल रहा है और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ना सिर्फ ये शैतान फिर तेजी से बढ़ने लगेगा बल्कि मेडिकल सिस्टम को भी ध्वस्त कर देगा। इसीलिए जब तक जरूरी ना हो, ऑक्सीजन के लिए परेशान ना हो, अस्पताल में भर्ती के लिए जल्दीबाजी ना करें, टीकाकरण जरूर कराएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, कोरोना से डरे नहीं, सावधान रहें, एहतियात बरतें,
कोरोना से दूर रहें। आपके डर और घबराहट की वजह से जिन्हें इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत है, उन्हें समय रहते मदद नहीं मिल पा रही। सीमित संसाधनों में मौजूदा सिस्टम बिखर रहा है। जैसे कोरोना जांच को लेकर सिटी स्कैन के लिए लोग परेशान हैं, जबकि वो नहीं जानते कि इससे कितना नुकसान है। बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। मुश्किल बीत जाएगी, नई सुबह आएगी। घबराने से नहीं, सावधानी से हारेगा कोरोना। देश में टीकाकरण का काम भी तेजी से चल रहा है, और ये भी एक बड़ी वजह है जिससे ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और संक्रमण की दर भी कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 मई के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 1,34,00,000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध है, जबकि 2 मई सुबह 8 बजे तक कुल 15,76,00,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीन की खपत हुई है। जिस तरह से भारत कोरोना से लड़ रहा है, इस मुसीबत पर भी काबू पा लेगा। हम सब साथ होंगे, साथ लड़ेंगे, घबराएंगे नहीं, सावधानी एहतियात बरतेंगे तो यकीनन कोरोना को हरा देंगे। और यकीन मानिए, अगर हम संयम से काम लें तो कोरोना को आने वाले कुछ दिनों में ही मात दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ में 7 दिन का आंशिक लॉकडाउन, शाम 5 बजे से 11 मई तक सुबह 5 बजे तक पाबंदी यहां पर लागू रहेगी। पाबंदी के दौरान जरूरी सेवाओं को अनुमति दी गई है। सरकारी दफ्तरों, बैंक में 50% स्टाफ के साथ काम किया जा सकता है। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार पर पाबंदी जो है वो जारी रहने वाली है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर ये बड़ा फैसला है। चंडीगढ़ में 7 दिन का आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, और जो समय रहेगा वो शाम 5 बजे से 11 मई सुबह 5 बजे तक जो पाबंदियां हैं तमाम को जारी रहेंगी। कोरोना की चेन को ब्रेक करना है, इस कवायद के लिए चंडीगढ़ में 7 दिन का आंशिक लॉकडाउन रहेगा। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, 5 मई से आंध्र प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी 14 दिन का ये आंशिक लॉकडाउन रहने वाला है। स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर्स पर पाबंदी जो है वो जारी रहने वाली है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं यानी कि एसेंशियल सर्विसेज को फिर भी अनुमति रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 मई से आंध्र प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 14 दिन का यह आंशिक लॉकडाउन रहेगा, जिसमें स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर्स पर पाबंदी जो है वो जारी रहेगी, और आवाजाही पर भी लोगों की रोक रहेगी, लेकिन सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को इसमें छूट रहेगी। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार में लग सकता है 15 मई तक लॉकडाउन। आज 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में लॉकडाउन को लेकर फैसला जो है वो हो सकता है, और जिस तरह की स्थिति इस वक्त बिहार में बनी हुई है, क्राइसिस मैनेजमेंट की इस मीटिंग में इस पर मुहर लग सकती है कि लॉकडाउन जो है वो 15 मई तक बढ़ाया जाए, यानी बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि कोरोना के इस चेन को ब्रेक किया जाए। आज की मीटिंग पर निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 16 करोड़ कोविड वैक्सीन जो है वो खरीद लिए हैं। 2500 करोड़ रुपए में ये वैक्सीन जो है वो खरीदी गई है। 11 करोड़ कोविशील्ड और 5 करोड़ कोवैक्सीन। देखिए, कवायद इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन देश में हो सके। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से सौदा किया है, मई और जुलाई के बीच सप्लाई इसकी करनी है। तो लगातार केंद्र सरकार बार बार इसी बात पर जोर देती नजर आती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके, और इसी में 2500 करोड़ रुपए में 16 करोड़ वैक्सीन खरीदी गई है। और दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है, चौथी लहर निकलने के शुरुआती संकेत यहां पर सामने आए हैं।
सोमवार को 20,000 से कम मामले सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या पर अभी काबू नहीं है। फिलहाल सोमवार को एक दिन में रिकॉर्ड 448 लोगों की मौत हुई है, यानी मरने वालों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मामले जो है वो कम आए हैं। जहां 30,000 के बाहर मामले जो है वो आ रहे थे, एक दिन में 34,000-32,000 केसेज आ रहे थे, वहीं सोमवार को 20,000 से कम मामले सामने आए हैं दिल्ली में। तो देखिए, दिल्ली में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, उसी का नतीजा है थोड़े मामलों में कमी आई है, लेकिन फिर भी लगातार लोगों की मौत भी यहां पर हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या जो है 2 करोड़ के पार हो चुकी है। दुनिया का दूसरा देश जहां 2 करोड़ से ज्यादा केस है। पिछले साल 30 जनवरी को पहला केस जो है वो आया था, और अब देखिए ये आंकड़ा जो है 2 करोड़ को पार कर गया। 15 महीने में 2 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचा है कोविड केसेस का। पिछले 15 दिनों में 50 लाख मामले सामने आए हैं। तो जो रफ्तार है कोरोना संक्रमण बढ़ने की, इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में कितनी भयावह स्थिति लगातार बनी हुई है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में शुरू होगा कोरोना पर सबसे बड़ा अभियान। बुधवार से पूरे प्रदेश में विशेष कोविड टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा। तो सबसे बड़े अभियान की शुरुआत जो है वो होने वाली है। बुधवार से पूरे प्रदेश में विशेष कोविड टेस्टिंग जो है वो अभियान की शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ का ग्राम सुरक्षा मिशन जो है वो शुरू होगा। कोरोना से जंग में सबसे बड़ा मिशन, यूपी है तैयार, कोरोना पर होगा वार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तेजी से काम कर रहे हैं, उसी का असर है कि 18 अप्रैल को 30,000 प्रतिदिन नए केस आने का आंकड़ा पहुंचा, और उस दिन के बाद से रोजाना आने वाले मामलों में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। यानी रोजाना आने वाले मामलों को रोकने में कामयाब हुई है योगी सरकार। लेकिन अब कोरोना को हराने के लिए महाराज जी ने कमर कस ली है और कोरोना की जंग में सबसे बड़े मिशन को शुरू करने जा रही है। योगी का मिशन कोरोना होगा खत्म। योगी की तैयारी हर मुश्किल पर भारी। यूपी में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब गुरुवार सुबह तक के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, और इसी दौरान बुधवार को एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है जिससे यूपी के गांवों को कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखना है। गांवों पर योगी का कोरोना कवच। उत्तर प्रदेश के गांव होंगे सुरक्षित। सोमवार को आए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 29,000 कोरोना के नए मामले आए, तो इसी दौरान करीब 38,600 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जाहिर है योगी सरकार के प्रयासों का असर दिख रहा है और उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर बेहतर हो रही है। ये प्रयास बेकार हो जाएंगे अगर गांवों में कोरोना ने तेजी से पैर पसार लिया। लिहाजा योगी सरकार ने गांवों के लिए अलग प्लान बनाया है जिस पर 5 मई से काम शुरू हो जाएगा। 5 मई से विशेष कोविड टेस्टिंग अभियान। घर घर जाकर होगी लोगों की जांच, बुखार और ऑक्सीजन लेवल की जांच होगी। कोविड लक्षण वालों का एंटीजन टेस्ट होगा, टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर इलाज होगा, जरूरी होने पर मेडिकल किट वितरित करेंगे। कोरोना वायरस से संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश जारी है। इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। अब इसमें नए अभियान के तहत गांवों को जोड़ देने की वजह से ये कोरोना के खिलाफ देश का सबसे बड़ा अभियान बन गया है। केंद्र सरकार के लिए भी सबसे ज्यादा फिक्र उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा घनत्व वाली है और यहां पर कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ सबसे बड़े अभियान की शुरुआत होने वाली है, वहीं यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया गया है। यानी अब 6 मई तक, यानी गुरुवार सुबह 7 बजे तक पाबंदी जो है वो बढ़ाई गई है।
और देखिए, इसके पहले मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यह बड़ा फैसला लिया है जिससे कि कोविड संक्रमण के जो मामले हैं उसको यहां पर कम किया जा सके, इस चेन को ब्रेक किया जा सके। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आवाजाही पर इस दौरान रोक रहेगी और सैनिटाइजेशन पर भी ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। डॉक्टर्स और नर्सेस स्टाफ को 25% इंसेंटिव देने का ये बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। तो कोविड सेवा के समय तैनाती के लिए इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। यूपी के अस्पतालों में तैनात मेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए ये राशि जो है वो दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी के समय जो नर्सिंग स्टाफ है, जो काम कर रहा है इस वक्त, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये 25% इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। कोविड सेवा के समय तैनाती है जिनकी, उन्हें ही ये इंसेंटिव जो है वो मिलेगा। देखिए, वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिन्होंने मुश्किल के वक्त में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया है, उन्हीं को लेकर योगी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।